स्टार्टिंग में ये बुक में लिखा है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है विच नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो अब इसका क्या मतलब देखो आप सब कोई नहीं कह सकता कि वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है द डे यू आर बोर्न यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आप सोशोलॉजी के भी स्टूडेंट बनते हो सोशोलॉजी बेसिकली है क्या सोशोलॉजी जो है डिराइव हुआ है टू वर्ड से सोशो मीन यो स्टडी सोसाइटी सॉरी एंड लॉजी मीन्स योर स्टडी ऑफ दैट मीन्स दिस इज स्टडी ऑफ सोसाइटी और उस सोसाइटी के आप मेंबर हो आपने इसमें सोसाइटी में क्या क्या देखा है पैदा होते आपने एक सोशलाइजेशन देखी है सोशलाइजेशन मीन्स कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यू सोसाइटी के जो आपको आपके पेरेंट्स देते हैं ठीक है आपके पैदा होने के बाद तो ये सोशलाइजेशन आपकी हुई है दैट मीनस आपने इस सोसाइटी जिसमें आप रहते हो आप उसको एनालाइज करते हो उस सोसाइटी को और जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करते हो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पैसे कमाने हैं उसके लिए आप चोरी नहीं कर सकते लीगल इंप्लीकेशन तो है ही आप सोशल इंप्लीकेशन देखो क्योंकि स्टीलिंग ये क्या है रॉबरी ये सोशली अप्रूव्ड चीजें नहीं है दैट मीन्स आप सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही चलते हो तो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आपका मेजर चाहे हिस्ट्री में हो साइकोलॉजी में हो लेकिन स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी के हमेशा रहोगे स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी के हमेशा रहोगे इसीलिए ऑल दो अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है या इकोनॉमी पढ़ रहा है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि उसको अगर वो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता हो ठीक है लेकिन जो सोशोलॉजी पढ़ता है वो कंप्लीटली बिगिनर नहीं होता वो कहीं ना कहीं उसने जो स्टार्ट है सोसाइटी का वो ऑलरेडी किया होता है अपने पैदा होने के बाद ही अगर उसको कुछ नहीं पता एक दो साल के बच्चे को भी एटलीस्ट ये पता होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये मेरी फैमिली है जिनके साथ वो कंफर्टेबली रहता है अगर वो कहीं और जाता है वहां वो उस कंफर्ट जोन में कंफर्ट लेवल उसको वो नहीं मिलता है दैट मीनस एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि फैमिली कोई इंस्टीट्यूशन है अब आप टर्मिनोलॉजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे जिन्होंने सोशोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है लेकिन एटलीस्ट उनको ये इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली मैरिज हो गया ठीक है इन सब के बारे में किनशिप है सिबलिंग बॉन्ड है ये सारी चीजें उनको पता है तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करता है सोशोलॉजी ठीक है आगे देखते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स आर लर्न बिकॉज दे आर टॉट एट होम स्कूल और एल्सवेयर बट मच ऑफ अट नॉलेज अबाउट सोसाइटी इज एक्वायर्ड विदाउट एक्सप्रेसिट टीचिंग ठीक है हमें कोई एक्सप्लिसिटली नहीं बताता कि ठीक है बैठो आज हम सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले नहीं आपको पेरेंट्स जनरली आपकी सोसाइटी की वैल्यू सिखाते हैं कि ठीक है अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज बोलो कोई गलती कर रहे हो तो सॉरी बोलो ठीक है ये चीजें आपको आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में होती हैं आपको बैठ के बुला के बिठाते नहीं है चलो हम सोशोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो विदाउट एक्सप्लिसिट टीचिंग आपको सोसाइटी की नॉलेज जो है वो आपके पेरेंट्स हो ग्रैंड पेरेंट्स हो आपका पेयर ग्रुप हो फिर जब आप स्कूल जाते हो आपके टीचर्स हो कलीग्स हो वहां से आपको मिलती रहती है ठीक है अब आगे देखते हैं नो चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट हिस्ट्री जोग्राफी साइकोलॉजी और इकनॉमिक्स वेन दे कम टू स्कूल लेकिन एक छे साल का सिक्स ईयर ओल्ड भी जो होता है छह साल का बच्चा ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट सोसाइटी इन सोशल रिलेशनशिप ठीक है ये मैंने आपको बता दिया अब आगे देखते हैं दिस प्रायर नॉलेज और फेमिलैरिटी इज बोथ एन एडवांटेज एंड डिस क्या है अब अगर आपको प्रायर नॉलेज है ठीक है मैंने आपको बोला आपको ऑलरेडी पता है अपनी सोसाइटी के बारे में ठीक अभी जो प्रायर नॉलेज है इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं अब एडवांटेजेस क्या है कि सोशोलॉजी के साथ आपका एक कंफर्ट लेवल आ गया मैंने आपको बोला कि आप इसमें बेसिकली पढ़नी क्या चीजें हैं जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है फाइन आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ोगे अब आपको एक टर्मिनोलॉजी पता चलेगी हर चीज की आपको पता है कि सोसाइटी में हाई कास्ट है लो कास्ट है लोग डिवाइडेड है ठीक है कोई फिफ्टी बीच में हाई कास्ट से लो कास्ट बनता है कोई सो कॉल्ड लो कास्ट से हाई कास्ट बनता है कोई सो कॉल्ड हाई कास्ट से लो कास्ट में किसी का डाउन मोबिलिटी होती है अब आपको सोशियोलॉजी पढ़ के पता चलेगा इस सब को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं दैट मीन्स आपको अब क्या सोशियोलॉजी पढ़ के एक टर्म मिलेगा लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑलरेडी पता है कि सोशियोलॉजी में होता क्या है दैट मीन्स आप बिगेर नहीं हो आपको प्रायर नॉलेज आप इसका एडवांटेज वो आपके लिए सोशलॉजी अगर आप सही से पढ़ो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा फाइन क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर हो अब इसका एक डिसडवांटेज भी है डिसडवाटेज क्या हुआ की जो भी आपकी प्रायर नॉलेज है वो आपको कहाँ से मिली है चाहे आपको पेरेंट्स ने सिखाई हो पेयर ग्रुप जैसे मैंने पहले कहा था वो आपको कॉमन सेंस नॉलेज से मिली है वो आपको किसी व्यू पॉइंट से मिली है और व्यू वो व्यू पॉइंट कौन सा है वो वो वाला व्यू पॉइंट है जो आपको आपके एनवायरमेंट से सराउंड से सोशल ग्रुप से मिलता है सोशल ग्रुप से ठीक है तो जो आपकी नॉलेज है अबाउट सोसाइटी वो कॉमन सेंस बेस्ड है वो साइंटिफिक नहीं है इसीलिए सोशोलॉजी की क्या कोशिश रही है सोशोलॉजिस्ट की वेन एवर यू स्टडी सोसाइटी यू हैव टू स्टडी इट साइंटिफिकली अदरवाइज देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ देखो हर कॉलोनी में ऐसा कोई होता है चाहे वो मेल हो फीमेल मेंबर हो कॉलोनी के जिनको पता होता है हर घर में क्या हो रहा है ठीक है उनको हर घर की इन्फॉर्मेशन होती है कौन आया कौन गया कौन किससे मिल रहा है किसकी कहाँ किसान बात चल रही है किनकी लड़ाई है किनकी दोस्ती है सब कुछ पता होता है और वो सीसीटीवी कैमरा से भी ज्यादा उनका ये जो होता है नजरें उनकी तेज होती है उससे भी ज्यादा तो क्या आप उनको भी सोशोलॉजिस्ट बोलोगे क्योंकि बेसिकली वो करके आ रहे हैं वो सोसाइटी स्टडी कर रहे हैं फाइन लेकिन इसीलिए इस डिफरेंस को ड्रॉ करने के लिए सोशोलॉजिस्ट ने कहा है जब आप सोसाइटी को स्टडी करो आपको उसको साइंटिफिकली स्टडी करना है ठीक है और जहां बात आती है साइंटिफिकली स्टडी करने से करने की वहां पे डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है कि आपकी कॉमन सेंस नॉलेज अलग है और सोसाइटी की स्टडी अलग है अब डिसएडवांटेज क्या है हमें प्रायर नॉलेज होने की कि हमारी जो नॉलेज है वो कॉमन साइंस कॉमन सेंस बेस्ड है और उसी को हमें पहले अनलर्न करना है वो हमें पहले अनलर्न करना है ठीक है तो पहला जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप जो है सोशोलॉजी की लर्निंग में वो है जो आपने प्रायर नॉलेज गेन की है थ्रू कॉमन सेंस उसको अनलर्न करो उसको भूल जाओ अब आप स्टडी करो सोसाइटी की एक साइंटिफिकली एक प्रॉपर मेथड से कोई मेथडोलॉजी यूज करो सोसाइटी को स्टडी करने के लिए ना कि कॉमन सेंस बातें जो है उनपे रिलाई करो ठीक है ये जो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल ग्रुप और जो सोशल एनवायरमेंट है दैट वी आर सोशलाइज इन टू आर सोशल कॉन्टेक्ट शेप्स ओपिनियंस बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन ठीक है हमारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वही शेप करते हैं हमारे ओपिनियन बिलीफ एक्सपेक्टेशन सोसाइटी और सोशल रिलेशन के बारे में हमारा जिस सोसाइटी में हम है उसी अकॉर्डिंग हमारी ओपिनियन बनती जाती हैं अगर आप जैसे अभी भी दो होमोसेक्सुअलिटी लीगल है लेकिन अभी भी सोसाइटी में उसको उसको किया जाता है, उसको नहीं किया जाता जाता है है एक्सेप्ट नहीं क्यों क्योंकि हमारा ओपिनियन वैसा फॉर्म हुआ है क्योंकि हमारा सोशल कॉन्टेक्स वैसा हुआ है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी का फाइन ये जो बिलीव है जरूरी नहीं कि गलत हो कॉमन सेंस नॉलेज हमेशा गलत नहीं हो सकती लेकिन वो पार्शल होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं क्योंकि वो जस्ट सुनी सुनाई बातें हैं ठीक है थीके? वो बातें बस पास वो इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई पास होती गई वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन गई है लेकिन वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती और वो बायस्ड होती है क्योंकि वो किसी के एक व्यू पॉइंट के लिए बेस्ड है किसी के एक व्यू पॉइंट पे बेस्ड है जैसे लड़कियों को शादी में डावरी देना वो कहीं पे उसको कोई सैंक्शन नहीं है उसको लीगल सैंक्शन नहीं है पर जस्ट बिकॉज हर कोई देता है आप दे रहे हो दे रहे हो ये आप कॉमन सेंस में ही है शादी है ये तो ले जाना है फर्नीचर लेना है ये लेनी चीज ये साथ लेनी है लेकिन ये क्या है ये एक बायस्ड कल्चर बना हुआ है ठीक है आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसा कहीं लीगल सैंक्शन इसको नहीं मिला है फाइन इसीलिए कॉमन सेंस नॉलेज जो है हमेशा गलत नहीं होती लेकिन पार्शल और बायस्ड होती है अब सोशोलॉजी में हम क्या करते हैं हमें अनलर्न करना है यही सारी चीजें जो हमने सीखी हैं, सो आर अनलर्न नॉलेज और कॉमन सेंस है यूजुअली अलाउज अस टू सी ओनली अ पार्ट ऑफ सोशल रियलिटी ठीक है और इट डज नॉट ऑफर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए परसपेक्टिव दैट कैन शो अस द होल रियालिटी इन ए कंप्लीट अनबायस्ड वे अब सोशोलॉजी ऐसी कोई गाइडिंग लाइट नहीं है जो एकदम से आपको एक अनबायस्ड पिक्चर दे दे हर चीज की कि नहीं देखो ये गलत है ये सही है गलत है ये सही है सोशोलॉजी आपको क्या करता है ये आपको रिमेंबर दिस फॉर लाइफ सोशोलॉजी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है कि ये गलत है ये सही है ऐसा करो ऐसा नहीं करो नहीं सोशोलॉजी आपको पर्सपेक्टिव देता है जब आपके पास डिफरेंट परसपेक्टिव होंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी फिर अपना एनालिसिस क्या सही क्या गलत कैसे क्या करना चाहिए वो इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई खुद से करता है फाइन तो सोशोलॉजी आपको एक पर्सपेक्टिव देता है देखो अगर सिर्फ आप कोई चीज स्टडी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इनके पास वन पर्सपेक्टिव है मिस्टर बी ये एक पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं उस चीज को मिस्टर सी इनका एक पर्सपेक्टिव है मिस्टर डी इनका एक पर्सपेक्टिव है मिस्टर ई e. इनका एक पर्सपेक्टिव है अब अगर आप इन सारे पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करो तो आपको काइंड ऑफ एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी एक चीज को अगर आप अलग अलग तरीके से देखो आप र्यूबिक्स क्यूब उठाओ उस क्यूब को आप हर डायमेंशन से देखो आप उसका एक फेस देखो साइड फेस देखो टॉप फेस देखो डाउन फेस देखो ठीक है आप वो एग्जाम्पल मान के चलो जो हर कलर का फेस जो हर कलर का उसपे चाहे वो टॉप फेस है उसका डाउन फेस है वो अलग पर्सपेक्टिव है हर थिंकर का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव है किसी टॉपिक को सोशोलॉजी की सोसाइटी के किसी टॉपिक को लेके जब आपके सामने पूरा र्यूबिक्स क्यूब होगा तो आपको काइंड ऑफ ए कंप्लीट पिक्चर मिलेगी फाइन तो ये आप सोशोलॉजी करता है वो आपको अलग पर्सपेक्टिव्स देता है सोसाइटी को समझने की और वो क्या करता है इसमें रिफ्लेक्सिविटी का ये है कॉन्सेप्ट कि सोशोलॉजी आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव्स नहीं देता वो आपको ये भी बोलता है कि लोग आप मतलब वट यू लुक लाइक टू अदर्स लोग आपको कैसे देखते हैं फाइन अब इसमें आपका क्या फायदा है देखो ऐसा आप खुद भी ये आप सोचना कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासमेट्स हैं वो आपको फनी समझते हैं और आपको पता है कि वो आपको फनी समझते हैं आपसे फन एक्सपेक्ट करते हैं तो आप हर टाइम उनको एंटरटेन करने की कोशिश करोगे क्यों क्योंकि आपका एक व्यू पॉइंट बन गया है बन गया है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप अगर वो पॉजिटिव पिक्चर है तो आप खुद को हमेशा वैसा ही रखना चाहोगे अगर आपके जो आसपास आपका पेयर ग्रुप है उनको पता है कि आप सेंसिटिव हो आप हमेशा सच बोलते हो तो आप ऐसा खुद को प्रेजेंट करोगे ऐसा रहने की कोशिश करोगे कि उनको आप हमेशा ही वैसे दिखो उनको आप हमेशा से हमेशा ही जस्ट सेंसिटिव और ट्रूथफुल दिखो अब अगर आपको पता है कि सोसाइटी आपको कनिंग क्लेवर ऐसा कुछ गंदा टाइप का इंसान समझती है तो आप खुद को बेटर करने की कोशिश करते हो तो ये आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी जो है सोशोलॉजी वो भी आपकी करता है अगर आप इससे कुछ सीखना चाहो तो आगे हम आगे देखते हैं तो बेसिकली अगर आप इंडियन सोसाइटी को सोशोलॉजिकली समझने की कोशिश करो ये क्या करेगा ये आपको सोशल मैप प्रोवाइड करेगा एक ऐसा मैप जो आपको हेल्प करेगा खुद को लोकेट करने की अब अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देख लो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का मैप है ठीक है ऐसा एक रफ मैप तो यहाँ पे कहीं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ली है अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे कहीं आपका अरुणाचल प्रदेश है ठीक तो अब ये क्या करता है ज्योग्राफिकल मैप आपको क्या बताता है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें ये नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ का टेरेन आपको दिखाएगा हिली एरिया है ठीक है कितना छोटा है ये बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ये छोटा है ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी अगर आप इसका जोग्रफिकल मैप देखोगे फाइन अब अगर आप सोशोलॉजी क्या करेगा आपको सोशल मैप देगा ना तो अगर आप किसी का सोशल मैप देखो फॉर एग्जाम्पल आप अपना ट्वेल्थ आप क्लास के स्टूडेंट हो तो अपना सोशल सोशल मैप मैप बनाओ तो वो आपको क्या बोलेगा आप सोसाइटी में कहाँ लोकेटेड हो फॉर एग्जाम्पल क्या आप एक टीनजर हो किस सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हो यंग पीपल ठीक है अब यंग पीपल जो है वो सोसाइटी में कितने हैं यंग पीपल सोसाइटी में फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो यंग है ठीक है आप गुजराती हो सकते हो या तेलुगु स्पीकर हो सकते हो चाहे आप आंध्र प्रदेश से हो गुजरात से हो आप पंजाबी हो सकते हो आप बिहारी हो सकते हो आप किसी भी आ, स्टेट के हो सकते हो कोई भी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग कर सकते हो तो ये सारा कौन आपको बता रहा है सोशल मैप सोशोलॉजी आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक कंडीशन आपके फैमिली इनकम के बेसिस पे आप किसी इकोनॉमिक एक एक क्लास को बिलोंग करते हो सो कॉल्ड मिडिल एंड और अपर क्लास ठीक है आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट ट्राइब को बिलोंग करते हो तो सोशोलॉजी है ये आपको क्या बताता है ये आपको बोलता है आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हो और कितने ग्रुप्स हैं बेसिकली सोसाइटी में ठीक है अब क्या सोशोलॉजी सिर्फ इतना करेगा सोशोलॉजी सिर्फ बताएगा आपको आपके लिए सोशलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हो बस आपको इतना बताएगा नहीं अब आपको सोशोलॉजी क्या करता है देखो सी राइट मिल्स जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो इस चैप्टर में नहीं लिखा है या आप नोट डाउन कर सकते हो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इसको बोलते हैं ये आपको क्या बताता है कि जो आपकी पर्सनल ट्रबल्स हैं वो दरअसल आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है वो एक वाइडर लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं वो सोशल इश्यूज हैं ठीक है अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं आपके लिए इजी बनाती हूँ कैसे वो सोशल इश्यूज हैं फॉर एग्जाम्पल कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है ठीक है आई एग्जाम की तैयारी कर रहा है अब वो फेल हो जाता है फेलियर फेस किया तो उसको क्या लगता है वो उसका पर्सनल ट्रबल है उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन बेसिकली उसको क्या क्या फेस कर रहा है उसको पेरेंट्स भी अब ताने दे रहे हैं अब सब लोग उस पर हंस रहे हैं उसके लिए उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है बट ये आपको एक लार्जर पिक्चर की तरफ ले जाती है लार्जर पिक्चर की तरफ क्या ले जाती है कि लोग एक्चुअली में स्टेटस हंग्री हैं क्यों सक्सेस को इतना ज्यादा रिलेट करते हैं यूपीएससी से क्यों मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो स्टेटस चाहिए क्योंकि ऐसा प्रोफेशन है जो सोसाइटी अप्रूव्ड है उनको अप्रूवल चाहिए सोसाइटी से ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको पावर देगा आप लोगों की आंखों में आपके लिए ऑटोमेटिक एक रेस्पेक्ट आ जाएगी आपको वो चाहिए तो इसीलिए आप एक प्रेशर में आ जाते हो इस वजह से जब आप फेल हो जाते हो एक्सट्रीम आधे लोग सुसाइड कर लेते हैं ये उनका पर्सनल ट्रबल नहीं है ये एक सोशल वाइडर इशू है कि अभी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फिर इतने हाई स्टेटस की गवर्नमेंट जॉब हो उसकी तो कुछ बात ही अलग होगी ठीक है तो बेसिकली जो आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है ये एक वाइडर इशू है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में आपको देखनी है ये आपको सोशोलॉजी बताता है क्योंकि ये चीजें आपको पता चलेंगी तब आप सिर्फ यूपीएससी फेलियर स्टूडेंट ने सुसाइड किया आप उसको सिर्फ वही देख रहे हो इसको कैसे देखेगा वो सोसाइटी को स्टडी करेगा क्यों इस प्रोफेशन को लेके पेरेंटल प्रेशर बना है क्यों इस प्रोफेशन को लेके खुद को इंसान ने इतना प्रेशर में डाला है कि अगर नहीं हुआ वो सुसाइड कर लेगा क्योंकि सोसाइटी में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज्यादा वैल्यू है पावर स्टेटस की इतनी वैल्यू है सोसाइटी इन चीजों को बहुत वैल्यू करता है इस वजह से हर कोई आजकल आई एस ऑफिसर बनना चाहता है ठीक है तो ये आपको इसका एक टर्म दिया था सी राइट मिल्स ने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन दैट मीन आपकी जो पर्सनल ट्रैवल है वो वो दरअसल आपके पर्सनल नहीं है सोशल इश्यूज हैं ये सारी चीजें यहाँ पे यही लिखी हुई हैं अब देखो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे जनरेशन ग्रैप गैप फ्रिक्शन होता है ओल्डर और यंगर जनरेशन के बीच में ये एक घर की बात नहीं है आपके घर में भी होगा ग्रैंड पेरेंट्स और आपकी आइडियोलॉजी ऑफ्ट नहीं मिलती है हमारे आइडियाज नहीं मिलते हैं हम मॉडर्न सोसाइटी के हैं वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कोई बातें ठीक है कई बातें ठीक भी होती है लेकिन कई बातें जो होती है वो बेसलेस भी होती है और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए तो ये जनरेशन गैप इशूज जो है ये फ्रिक्शन जो ओल्डर और यंगर के बीच में है ये दरअसल एक सोशल फिनमिना है कॉमन टू मेनी सोसाइटीज ये सिर्फ आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है ये आपको सोशोलॉजी बताता है अनएम्प्लॉयमेंट इशू ये सोसाइटल इशू है ठीक है Uh, कास्टिज्म होता है किसी सोसाइटी को आप हाई ट्रीट करते हो किसी को लोअर ट्रीट करते हो जो सोकॉल्ड हाई कास्ट का होता है वो सोकॉल्ड लो कास्ट के इंसान को खुद से इंफीरियर समझता है तो बेसिकली जब आप सोशलॉजिकली चीजें स्टडी करोगे तो आप इसको एक इंडिविजुअल इंसिडेंट में देखोगे एक हाई कास्ट जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ था एक जगह दलित ब्राइड ग्रूम घोड़ी पे चढ़े थे फिर यूपी में आइग हुआ था उनको मारा था वो मर गए थे और प्रॉब्लम उनको लोगों ने आके मारा और फाइनली उनकी डेथ हो गई प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वो दलित कम्युनिटी के हैं तो वो घोड़ी क्यों चढ़े वो उनको अलाउड नहीं है तो आप इसको एक इंडिविजुअल इवेंट इंडिविजुअल इंसिडेंट करके ट्रीट नहीं कर सकते आपको लार्जर पिक्चर में इसको स्टडी करना होगा अगर आप इसको सोशोलॉजिकली देख रहे हो तो हमारे अंदर कास्टिज्म का थॉट जो है इतना ज्यादा इनग्रेन है कि लोग ये इनह्यूमन एक्ट भी करने से पहले सोचते नहीं है दो बार ठीक है तो ये ये प्रॉब्लम आपको लगेंगी ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है ये एक इशू है एक वाइडर इशू है सोशल इशू है सोशल फिनोमेना है यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं अब वन वर्जन ऑफ जो मैप है वो देखो एक ऐसा सोशल मैप जो है वो ऑलरेडी हमें मिल गया है वो हमें कब मिला है जब हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट हुई है तो बेसिकली एक बच्चा जो होता है उसके दिमाग में पहले से चीजें नहीं आती की लड़की है ये लड़का है डिफरेंसी ये है ये हाई कास्ट है लो कास्ट है ये रिलीजन है वो ये वो रिलीजन है ये बेसिकली उसको ऐसी उसकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है उसकी सोशलाइजेशन ऐसी हुई है कि बाद में वो चीजों को उसी पर्सपेक्टिव से देखने लगता है तो ये सोशल मैप जो है कॉमन सेंस मैप है जो हमें बहुत पहले मिला होता है वो सोशोलॉजी क्या करता है आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट देके इसी मैप को चेंज करने की कोशिश करता है फाइन तो एक जो सोशोलॉजिकल पर टीच करता है हाउ टू ड्रॉ सोशल मैप्स अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो हमें इंडियन सोसाइटी का इसमें पढ़ना है इंडियन सोसाइटी को इस बुक में आपको एक सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट मिलेगा राधा देना कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अब अगर हम देखें कॉलोनियल पीरियड जो है एक्चुअली इंडियन कॉन्शियसनेस कब से स्टार्ट हुई जब से कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ अब आप बोलोगे ब्रिटिशर्स तो डिवाइड एंड रूल पे बिलीव करते थे तो इंडियन नेशनलिज्म इंडियन कॉन्शियसनेस तब कैसे स्टार्ट हुआ क्योंकि देखो ये जो आपका इंडिया है ना यहाँ पे अलग अलग किंगडम्स थी कहीं पे मुगल्स थे मराठास थे आपके साउथ के थे चेला चोला चोलाज पांड्याज वगैरह ये आपने सारा हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो फिर जब क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी लेके आए सेंट्रल अथॉरिटी जिन्होंने कंबाइन किया इंडिया को बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक वेस्ट से ईस्ट तक नॉर्थ से साउथ तक पूरे इंडिया को एक रूल के अंडर लेके आए वो कौन एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर किसके अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ठीक है तो इस वजह से क्या हुआ जो इंडिया है वो यूनिफाई हो गया अब इंडिया को एक आइडेंटिटी मिल गई अभी तक मुगल मराठा राजपूत ये सारे अलग थे अब ये इंडियन थे जो किसके अंडर थे ब्रिटिशर्स के थे तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हुई जहां पे ब्रिटिशर्स ने आपको डिवाइड करने की कोशिश की रूल करने की कोशिश की इंडियन नेशनलिज्म कहीं ना कहीं उस वजह से भी इमर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने इसका एक बाय प्रोडक्ट क्या हुआ रूल करने का सेंट्रल अथॉरिटी का उन्होंने यूनिफाई किया इंडिया को उन्होंने इंडियंस को यूनिफाई किया ठीक है तो वहां से जब आप वेस्टर्न स्टाइल या वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह आ गई ठीक है उस वजह से क्या हुआ यहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होने लगी इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास और ये मिडिल क्लास जो थे बाद में आपके रिवॉल्ट वगैरह जो होते थे अलग अलग और इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में ये फोर फ्रंट पे रहे हैं तो इंडियन तो ब्रिटिशर्स का काफी साथ र, दो नहीं चाहते थे पर एक आप बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट रहा उनके रूल का कि मिडिल क्लासेस आ गई मिडिल क्लासेस को वेस्टर्न एजुकेशन मिली थी इनको जो इनको वेस्ट एजुकेटेड वेस्ट थे तो उनको पता था कि नहीं उनके पास ये आइडियाज थे अच्छा डेमोक्रेसी कुछ है लिबर्टी कुछ है फ्रीडम कुछ है तो वो इंडियन सोसाइटी पे भी वही चा, चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी पे भी वही सारी चीजें अप्लाई हों फाइन इस वजह से क्या हुआ कॉलोनलिज्म एंड ये इमर्जिंग मिडिल क्लास बिग्न विद एड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन टू चैलेंज ऑन इट्स ओन ग्राउंड ठीक है कॉलोनलिज्म को अपने ग्राउंड पे क्योंकि यहाँ पे वो क्या कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगाते थे और अपनी कंट्री में वो इक्वालिटी लिबर्टी की बातें करते थे तो वेस्ट एजुकेटेड जो है उनका ये डिप्लोमेसी जो है वो समझ गए थे फाइन और इसका एक दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या हुआ कि जितना ज्यादा मॉडर्न इंडिया होती गई उतनी ज्यादा आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आती गई जिन्होंने वापस कहा कि ट्रेडिशन क्योंकि हमारा जो रहा रहा है है वो गोल्डन तो हमें पुराने दिन वापस दे दो तो ये था एक बाय प्रोडक्ट मॉडर्निटी का और एक बाय प्रोडक्ट ब्रिटिश रूल का और एक बाय प्रोडक्ट तो आप बोल सकते हो कॉलोनलिज्म आप बोल सकते हो कॉलोनलिज्म जो है एक क्रिएटेड न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज विच केम टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन सब्सिक्वेंट हिस्ट्री और जो अर्बन मिडिल क्लासेस है दे विद मेन कैरियर्स ऑफ नेशनलिज्म तो जो कॉम्प्लेक्स वेज है इन विच सबसिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ कंटेप्रेरी इंडियन सोसाइटी इवॉल्ड इज समथिंग यू विनकाउंटर इन दी फॉलोइंग चैप्टर्स ठीक है आपको ये सारा पढ़ना है कि कैसे कंटेप्ररी इंडियन सोसाइटी इवॉल्व हुई उसको आप सोशोलॉजिकली पढ़ोगे तो बुक ऑफ रिव्यू है ये भी देखने की जरूरत नहीं अपनी जगह पढ़ सकते हो कि हर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आई गेस टोटल सिक्स चैप्टर्स सेवन चैप्टर्स हैं इसके तो हम ये नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम कॉन्टिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गिव मी अ थम्स अप अगर आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज डिसलाइक द वीडियो आपके पास वो ऑप्शन है वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या पसंद में नहीं आया बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे